नमस्कार, मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आप सभी का 10th ज्योग्राफी की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन जल संसाधन पर चल रहे थे। लेसन को हमने पूरा कर लिए हैं, अब हम जो है वो मैप वर्क पर चल रहे हैं। मैप में सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो है राज्य और राजधानियों को मैप पे फिल करना। तो आज के भाग में हम सारे राज्य मैप में भरना सीखेंगे, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, और उसके अलावा जो हम सीखेंगे वो है भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जो कि मैप में हैं। तो आज के भाग में हम राज्य और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आसान मेथड से आपको बताया जाए। देखिए, मैप आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप इसकी बार बार प्रैक्टिस ना करें। तो आज आपको सीखने के बाद पेंसिल से एक खाली मैप पर बार बार प्रैक्टिस करनी है और फिर रैंडम राज्यों को भर के देखना है, ये चेक करने के लिए कि आपको मैप भरना आ गया या नहीं। तब हम इससे अगले भाग पे चलेंगे जिसमें हम नदियाँ और बांधों को मैप में भरना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना भाग 5। चलिए, कल जो हमने सीखा था पहले उसका टेस्ट लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। ये नंबर 1 प्रश्न है, इस राज्य का नाम बताइए। नंबर 2, केंद्र शासित प्रदेश का नाम। नंबर 3, इस राज्य का नाम बताएं। नंबर 4 प्रश्न, तो आपको जो उत्तर देने हैं वो 1, 2, 3 और 4, ये कौन से राज्य हैं उनके आगे आपको लिखना है। ये 5वां, आपको ये बताना है ये कौन सा राज्य है। तो इन 5ों प्रश्नों के जब आप उत्तर दे देंगे तो उसके बाद आगे आपको लगेगा कि आपको इनके आ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कल वाला वीडियो एक बार दोबारा देखकर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब हम उससे आगे देखते हैं। चलिए एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। आज ये मैप वाला काम पूरा ख़त्म करेंगे। देखिए, ये है आपका राज्य और सॉरी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, ये है आपका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। तो देखिए, ये कब अस्तित्व में आए, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है जी। ये एक राज्य जम्मू कश्मीर से दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आए। ये हमारा हिमाचल प्रदेश, ये 25 जनवरी 1971 को बना है। उसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है, ये आपका हिमाचल। देखिए, जम्मू के बिल्कुल नीचे हिमाचल और हिमाचल के साथ इधर लगता हुआ पंजाब और चंडीगढ़, ठीक है जी। ये आपका हरियाणा, ये हिस्सा दिल्ली, ठीक है जी। हमने अब तक देखा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और ये पूरा आपका उत्तर प्रदेश। तो देखिए, जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश से ही बना है। उत्तर प्रदेश कब अस्तित्व में आया था, 26 जनवरी 1950 को, और उत्तराखंड कब बना, 9 नवंबर 2000 को। अब आगे देखते हैं हम, ये है आपका राजस्थान, जहाँ पर की रेत ही रेत आपको दिखेगी, 1 नवंबर 1956 को बना। कल भी आपको बताया था कि मैप के बिल्कुल बीच में, बीच मध्य है, तो नाम भी क्या है, मध्य प्रदेश, और ये आपका गुजरात, महात्मा गांधी की जन्मस्थली, और कब बना, ये 1 मई 1960 को।
देखिए 1956 में काफ़ी राज्य अस्तित्व में आए, एक है राजस्थान, एक है मध्य प्रदेश, दिल्ली और नीचे आपका आंध्र प्रदेश। तो चलिए हमने मैप का आधा भाग देख लिया, अब आगे देखते हैं। ये आपके केंद्र शासित प्रदेश ये दमन और दीव, ये दादर और नागर हवेली, ये 1961 में अस्तित्व में आया और वो दूसरा 1987 में 30 मई 1987 जो दादर और नागर हवेली है वो 11 अगस्त 1961 को, ठीक है जी। ये आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र, हमारा मुंबई जिसे हम माया नगरी भी कहते हैं, सपनों का शहर, 1 मई 1960 को अस्तित्व में आया। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा गोवा, बीचों का शहर, ठीक है जी, जहाँ बीच ही बीच हैं, पर्यटक घूमने के लिए आते हैं गोवा। 30 मई 1987 को अस्तित्व में आया भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा के बाद अब हम देखते हैं, ये देखिए कर्नाटक प्रदेश, ये भी 1956 में अस्तित्व में आया। कर्नाटक प्रदेश के बाद है केरल, ये भी 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को। तमिलनाडु 26 जनवरी 1950 में। देखिए हमने कितने राज्य देख लिए, ठीक है जी। अब तक हमने देखा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, ये आपके केंद्र शासित प्रदेश है। हमने देखा भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, उसके नीचे ही साथ में बिल्कुल कर्नाटक, कर्नाटक के बिल्कुल साथ केरला, जहाँ हमारा भारत का मैप नीचे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे, और उसके साथ तमिलनाडु। तमिलनाडु बहुत ही प्रसिद्ध स्टेट है भारत की। अब ये देखिए कुछ केंद्र शासित प्रदेश, ये लक्षद्वीप का कुछ भाग, ये भी 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा आपका पुद्दुचेरी है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए पुद्दुचेरी यहाँ भी है, ये बिल्कुल छोटा सा वाइट आपको दिखाई दे रहा है इसमें, मैं आपको इसे एनलार्ज करके दिखाती हूँ। ये पुद्दुचेरी, ठीक है जी, ये 1 नवंबर 1954 को अस्तित्व में आया। ये पांडिचेरी, यहाँ भी पुद्दुचेरी, ये छोटे छोटे भाग के रूप में अलग अलग स्थानों पर है। देखिए नीचे वाला नक्शा हम दोबारा दोहराते हैं, हमारा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है तेलंगाना। ये भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो ये भारत का 28वां राज्य है। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए हमने इतना मैप देख लिया, अब हम देखते हैं। देखिए तेलंगाना ये चूहे की शेप में है, देखिए उड़ीसा जो है ऐसी आकृति है जैसे चूहा होता है। तो ये 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया है। उड़ीसा से बिल्कुल ऊपर है आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ लगता हुआ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के ऊपर छतरी छत्तीसगढ़।
देखिए तीनों साथ साथ लगती स्टेट हैं, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये तीनों बिल्कुल आसान है, इन्हें याद रखना। आपका उत्तर प्रदेश के साथ है बिहार, बिहार के साथ झारखंड और झारखंड के साथ छत्तीसगढ़, ये चारों स्टेट्स, ठीक है जी। अब देखिए हमारा मैप लगभग समाप्त होने वाला है। इधर के ये पश्चिम बंगाल है आपका, ये भी 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया है पश्चिम बंगाल। ये भारत के ही नक्शे जैसा एक और छोटा सा नक्शा, ये बांग्लादेश है, ठीक है जी। ये पाकिस्तान का से अलग होकर बना है बांग्लादेश। अब हम इधर आ जाते हैं, देखिए ये जो मैप है इसे हम क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर की सात बहनें। कौन कौन से राज्य हैं इसमें, देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, ये नागालैंड है आपका, बिल्कुल छोटी छोटी शेप मैं आपको दी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो हमें सात स्टेट की गिनती करनी है, देखिए 1, 2, 3। इसमें आपका है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ये सात स्टेट जो हैं इन्हें सात बहने का दर्जा दिया गया है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और अब हम जो भारत के साथ लगते हुए दूसरे देश हैं उन्हें देख लेते हैं। देखिए ये है पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये चाइना, नेपाल, ये आपका भूटान, ठीक है जी। हमने कितने देश देख लिए, देखिए सबसे पहला है हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल और ये भूटान। ये भारत के पांच पड़ोसी देश हैं। अब हम देखते हैं म्यांमार, ये देखिए छठा देश, श्रीलंका सातवां देश, भारत का पड़ोसी देश। तो देखिए हमने मैप में देखा कि हमारे भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, सबसे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान। अब आ जाइए इधर, ये आपका म्यांमार, ठीक है जी। म्यांमार के बाद इधर नीचे आपका श्रीलंका। तो हमने पूरा मैप अच्छे से अब देख लिया है। अब जो हम करेंगे वो आपको पहला तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर हम राज्य और राजधानियों के बारे में जानेंगे। तो आज आप इसी की प्रैक्टिस करेंगे, मैप में बार बार पेंसिल से ये अपनी मर्जी से कोई भी राज्य उठा के भरिए। जैसे पहले मध्य प्रदेश भरिए, फिर आप भरिए छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। बहुत देखिए मैप क्या है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छे से मैप को कर पाएंगे। तो आज का जो आपको काम करना है वो है मैप की अच्छे से प्रैक्टिस करना। आपको भारत के पड़ोसी देश, भारत के राज्य, ये पूर्वोत्तर की सात बहनें, इनके बारे में अच्छे से बता दिया गया है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, तो मैं आपकी उस क्वेरी को सेटिस्फाइड करने के लिए
एक और नया वीडियो बना के कोशिश करूँगी आपको अच्छे से समझ आए। देखिए मुझे मैप में कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, उन्हें ट्रिकी फॉर्म में याद रखना, जैसे उड़ीसा, उड़ीसा को चूहे की शेप पे, फिर ये छत्तीसगढ़ मतलब उसके ऊपर छतरी, इधर झारखंड और उधर बिहार, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के साथ लगता हुआ बिहार। बिल्कुल आसान है मैप को याद रखना। देखिए बांग्लादेश के ऊपर है हमारा मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ आपका मैप पूर्व की तरफ ख़त्म हो रहा है वहाँ है अरुणाचल प्रदेश। एक चीज़ और, ये पूर्व है, ये पश्चिम, ये उत्तर, और नीचे वाला जो हमारा दक्षिण कहते हैं, ठीक है जी, तो हमारा ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर ऊपर वाला और नीचे दक्षिण, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है मैप में। चलिए आपसे कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।